तुम्हें नहीं पता होगा और किसे पता होगा, मुझे इन दिनों हेमीनाथ के प्रति कुछ आशंकाएं होने लगी है। तुमसेज को देखकर लगता है कि हमसे हमारा राज्य तो छीन ले। सत्य भामा, तुम तो जानते ही हो हमारे लिए भी कमर ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी का कितना तेज होता है कि नेमी कुमार के साथ कितन का क्या रूप छिपा है। सत्य भामा, चिंता तो स्वाभाविक ही है, वो हमसे अधिक शक्तिशाली है। महाराज, चिंता करने से क्या होगा, कोई प्रबंध किया जाए ताकि समस्या सुलझ सके। हमने सोचा है कि नेमी कुमार का अतिशीघ्र विवाह कर दिया जाए, यह जीवन की उलझनों से बड़े बड़े लोग थक जाते हैं। हमने कन्या भूल ली है, जूनागढ़ नरेश महाराज उग्रसेन का संदेश कई बार आ चुका है, कन्या का नाम और काम दोनों अति सुंदर है। अब तो समझ गई ना मेरा आशय? हाँ महाराज, समझ गई, बहुत अच्छे से समझ गई। ये सब तो मैं बड़ी कुशलता से निभाऊंगी। अब आप शिक्षित हो जाए और चिंता करना छोड़ दे और मुझे भी अपने कक्ष में जाने की आज्ञा दे। और जब तीनों रानी आपस में बात कर रही है जाल बिछाने की, इतने में नेमी का पदार्पण सुंदर से दृश्य को देखिए। पधारिए पधारिए देवर जी, हम सब आप ही का इंतजार कर रही थी।